सो वेलकम गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 चैप्टर नेम लैटिस एंड बुलियन एलजेब्रा। सो मैथमेटिक्स से यूनिट 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम मैंने बताया अभी। सो उसमें सबसे पहले बेसिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना चाहिए कि क्या होता है, उसके बाद हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और उसे किस तरह सॉल्व किया जाए। सो समझे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब समझ में आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं सपोज करता हूँ कोई दो सेट्स है, सेट ए एंड सेट ए इज इक्वल्स टू, उसमें मैं 1 2 3 एक सेट है, और एक सेट है बी, उसमें ए बी सी। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सॉल्व करो। तो सब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, और देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका, जो पहला टर्म दिया है इसमें 1, इसको मल्टीप्लाई करो ये बी के तीनों से, मतलब बी का जो एलिमेंट्स हैं उनसे सबसे मल्टीप्लाई करो। तो हम किस तरह करेंगे कि 1 into a, ओके, फिर डॉट, फिर 1 से बी को मल्टीप्लाई, 1 से बी को। सिमिलरली हम उस सबके साथ ऐसे करेंगे, 1 से सी के, सी से फिर हम 1 का हो गया, फिर सेकेंड से तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2a 2b 2c, थर्ड का भी वैसे करेंगे, 3a 3b एंड 3c। देन हम बोलेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज दैट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं है, दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये एग्जांपल 1 था, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंड एग्जांपल में हम लेते हैं सेट ए इज इक्वल्स टू, सिमिलरली 1 2 3 लेते हैं, 1 2 3, एंड सेट्स बी लेते हैं, एंड सेट बी लेते हैं, उसमें भी लेते हैं कि 1 2 3, मतलब सिमिलर अगर एलिमेंट रहा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं, उसी को भी वैसे सॉल्व करना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 1 से सभी को मल्टीप्लाई है, तो 1 क्रॉस 1 1 इंटू 1, और 1 इंटू 2 1 इंटू 3, बस ये हो गया। हम 3 से फिर सेकेंड से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 1 2 2 एंड 2 3, और थर्ड को भी तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 2 एंड 3 3। तो आज हमने पढ़े कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े ना, तो इसके बाद का जो टॉपिक है रिलेशन, जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता रहना चाहिए। हमारे चैप्टर लैटिस, उसके पहले हम लैटिस पढ़ने से पहले हमको रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद हमें रिलेशन के बाद पार्शियल डिफरेंशियल रिलेशन भी पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिए, उसके बाद रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पार्शियल रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा लैटिस एंड बुलियन एलजेब्रा। तो हमको कुछ बेसिक पढ़ना है, तो हमारा उसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो आज की वीडियो में इतना ही।